శాసకానికి आरआर मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। बीदर के डीसी ऑफिस के सामने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और अन्य संगठनों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मांग की गई कि बीदर के बस से बदतर हालत को सुधारने के लिए सीएमसी बाड़ी बनाना चाहिए और सीएमसी चेयरमैन जल्द चुना जाना चाहिए। लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी से एमएलए बनने के बावजूद भी बीदर के विधायक जी हमेशा जनता के बीच एक सवाल बने रहते हैं और जनता की नाराज़गी इनका पीछा नहीं छोड़ती, फिर भी ये एमएलए बनते जाते हैं। लेकिन इस बार कई संगठनों ने विधायक जी के खिलाफ नारेबाजी की, किसी ने इन्हें 420 के नाम से पुकारा तो किसी ने परसेंटेज पर काम करने वाला ब्रोकर एमएलए कहा। अगर सीएमसी चेयरमैन जल्द ना बने तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बीदर से संवाददाता अमजद पाशा का कवरेज। तमाम संगठनों की जानिब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सभी के समर्थन के साथ आज यहाँ पर इस बात को लेकर जो पूरा बीदर चिंतित है कि 18 महीने हो गए तकरीबन बीदर में इलेक्शन होकर, लेकिन म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन के चुनाव होने के लिए कराने के लिए जो है ना जिला एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं है। काबिले फिक्र बात यह है कि जो बीदर के शासक है रहीम खान जी, उनके जो गंदे सियासी मकासद हैं, उन गंदे सियासी मकासद को पूरा करने के लिए बीजेपी भी उनका बहुत साथ दे रही है और यहाँ के एमपी और यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर भी उनका साथ दे रहे हैं। सियासी साजबाज तो जहाँ तक हमें समझ में आता भी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी इन गंदी चालों का हिस्सा बनकर काम कर रहा है, जिसकी हमें बहुत बहुत शिकायत है। तो आज कर्नाटक सरकार की जानिब से जब एक लेटर आ चुका है, एक आर्डर आ चुका है कि आप सदर बना सकते हैं, उसके बावजूद भी डिप्टी कमिश्नर बीदर ने अभी तक किसी तारीख का ऐलान नहीं किया है और बहानेबाजियां चल रही हैं। तो इन बहानेबाजियों को खत्म करके अब डिप्टी कमिश्नर बीदर को सामने आकर, अवाम के सामने आकर फौरी तौर पर चेयरमैन के चुनाव करने के लिए अपनी तारीख का ऐलान कर देना चाहिए। अगर से कोई कानूनी बाधा है तो अवाम के सामने लाना चाहिए, वरना ये जन आंदोलन अब 1 से 2, 2 से 4 से अब कई हजार तक पहुंचेगा और बीदर में हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मुश्किल खड़ी कर देंगे, उन्हें बनाने पर मजबूर कर देंगे। हालात बुरे से बुरे हो, इससे बेहतर है कि आप यहाँ पर चुनाव करवा दें और फौरी तौर पर करवा दें। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं। खुदा खुदा ಸರಕಾರ ರೈತರ ನುಂಗೈತೋ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಎದ್ದು ನಿಂಗೈತೋ ರೈತ ನಿನಗೇನಾಗೈತೋ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನ ಕೂತ ರೈತ ನಿನಗೇನಾಗೈತೋ ನೀ ಯಾಕೆ
ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ನುಂಗೈತೋ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಎದ್ದು ನಿಂತೈತೋ, ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ನುಂಗೈತೋ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ सीएमसी के सदर और नायब सदर के इलेक्शन के दरमियान जितना दूरियां होते जा रहे उतना बीदर का डेवलपमेंट पीछे होते जा रहा। लिहाजा आज हमारे अली अहमद खान साहब के सदारत में हम सभी हमारे तंजीम के ओर से हमेशा उनके साथ रहेंगे। हम अगर 10 दिन में ये बॉडी नहीं बनी तो उनके स्ट्राइक में हमारा भारतीय भीम सेना के ओर से हम पूरे ताउन करेंगे बोलते। दो बात खत्म करता हूँ, शुक्रिया। नोड़ी भाला दिन हिड़ोगे प्रतियो कड़ी इतू एल कड़ू अध्यक्ष मैार के कड़ी इले बीदर याक आगता रीजन ऐन गोतल जनक इवत नमल बीदरदली यदे कामगारी सर आगता डिपार्टमेंट नोड़ी करप्शन प्रतियो डिपार्टमेंट ऐनमती जल्दी ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು। 10 ದಿವಸ ನಂತರ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು, ಸುಮ್ಮ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾ। ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಪಿಐ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮದು ಸಹಕಾರ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ।